ऋषभ पंत इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन। हाल ही में उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से वो आने वाला आईपीएल सीजन बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उनकी आईपीएल की सैलरी थी 16 करोड़ रुपए। तो क्या उन्हें उनकी ये सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या लगता है आपको? इंटरेस्टिंगली इसका जवाब है हाँ। इंजरी की वजह से कोई भी आईपीएल मैच ना खेलने के बावजूद भी उन्हें उनकी सैलरी मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कराया था बीसीसीआई ने। बीसीसीआई अपने सारे क्रिकेट प्लेयर्स का इंश्योरेंस कराती है और इनफैक्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट भी पे करती है। इनफैक्ट पिछले साल जो आईपीएल हुआ था उसमें टोटल इंश्योरेंस की कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपए थी। इंडिया में होने वाले किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का सबसे महंगा इंश्योरेंस कवर। तो ये सैलरी एक्चुअली में ऋषभ पंत को अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नहीं मिलेगी, बल्कि बीसीसीआई की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा पंत को इंडियन टीम की तरफ से खेलने के लिए भी 5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, और ये अमाउंट भी उन्हें इस साल मिलेगा, चाहे वो इंडिया के लिए कोई मैच खेल भी ना पाए। देखा जाए तो एक बड़ी फॉर्चुनेट चीज है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि एक इंजरी उनके पूरे करियर को खत्म करके रख सकती है। ऐसे में इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है।